नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक केवाईसी को लेकर। काफ़ी सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और उसके बाद आपको ये भी दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि भाई ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का इसको लेकर क्या जवाब आया है, ईपीएफओ का क्या कहना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, जब वो अपना बैंक अकाउंट नंबर यानी कि बैंक अकाउंट की जब केवाईसी करते हैं, बैंक अकाउंट नंबर जब सीड करने की रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे बैंक हैं अगर उनमें आपका अकाउंट नंबर है तो बैंक अकाउंट नंबर केवाईसी अप्रूव करने की जो रिक्वेस्ट है कंपनी के पास नहीं जाती, बैंक के पास जाती है। और जब बैंक के पास केवाईसी अप्रूव ऑनलाइन वेरीफाई करने की जब रिक्वेस्ट जाती है तो बैंक की तरफ से जो है आपकी केवाईसी को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट जब करता है तो रिमार्क में क्या लिखा था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रिजेक्शन रीजन नेम मिस मैच। और यहाँ पर स्टेटस में जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा साफ साफ, रिजेक्टेड बाई बैंक ड्यू टू नेम मिस मैच। मैंने भी जो है दो बार रिक्वेस्ट सबमिट करी, और यहाँ पर देख सकते हो दोनों बार जो है बैंक की तरफ से, यहाँ पर जून में रिक्वेस्ट सबमिट करी थी, देख सकते हो यहाँ पर एक्शन टाइम है जून, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 2 जून और 3 जून को 2022 लेटेस्ट ही है ये। अगर आपकी भी बैंक केवाईसी रिजेक्ट की गई है बैंक के द्वारा, तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का जो है मैसेज देखने को मिला है तो ईपीएफओ का इसके बारे में क्या कहना है। मैंने इसके ऊपर जो है ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करी थी, मैं जानना चाहता था भाई ईपीएफओ इसके बारे में क्या कहना चाहेगा, ईपीएफओ का क्या जवाब है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि अगर आपकी भी केवाईसी रिजेक्ट हुई है बैंक के द्वारा जो है रिजेक्ट की गई है इस तरह का रिमार्क देके, तो आपको भी पता चल जाए कि आपको क्या करना है और जो है आप अपना काम खुद से ही कर सको। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल इसको ओपन कर लिया, और ग्रीवेंस का जो ये पोर्टल है इसको भी मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लॉगिन करके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से पता चल जाए। तो यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है, एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैनेज के ऑप्शन में जाके केवाईसी का ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है केवाईसी का सेक्शन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर केवाईसी हिस्ट्री अप्रूव्ड रिजेक्टेड इनवैलिडेटेड, यहाँ पर स्टेटस आपको दिख रहा होगा। SBI बैंक की केवाईसी मैंने ऐड करी थी, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, स्टेटस में आ रहा है रिजेक्टेड ड्यू टू मिस मैच इन नेम, और यहाँ पर सिग्नेचर टाइप यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड, और रिमार्क में रिजेक्शन रीजन नेम मिस मैच्ड, और यहाँ पर एक्शन टाइम देख सकते हो 3 जून 2022, ठीक है। अब आपने देख लिया, अब इसको कर देते हैं लॉगआउट, यहाँ से लॉगआउट कर दिया। अब यहाँ पर आ गया हूँ मैं ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस पोर्टल है यहाँ पर, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईपीएफओ का इसके बारे में क्या कहना है। मैं देख लेता हूँ ग्रीवेंस नंबर मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर व्यू स्टेटस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। ग्रीवेंस जब हम रजिस्टर करते हैं तो यहाँ से हम स्टेटस उसका चेक कर सकते हैं, बाकी मैसेज भी आ जाता है, ठीक है, कि आपका जो रिस्पॉन्स दे दिया है ईपीएफओ ने। तो यहाँ पर मैं जो है ग्रीवेंस नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर और ये जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर मेंशन करके सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी, अब मैं कर देता हूँ सबमिट, और यहाँ पर प्लीज वेट के लिए बोल रहा है, कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना रहता है, वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर देख सकते हो नाम, यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर डेट ऑफ रिसिप्ट यहाँ पर देख सकते हो 3/6/2022, 3 जून 2022 को जो है यहाँ पर जो है हमने ग्रीवेंस रजिस्टर किया था, और करंट स्टेटस केस डिस्पोज्ड ऑफ, और यहाँ पर फाइनल डिसीजन आया है, यहाँ पर देख सकते हो फाइनल डिसीजन ईपीएफओ की तरफ से दिया गया है कि सर एज पर दिस ऑफिस रिकॉर्ड योर नेम एंड फादर नेम अपडेटेड एज प्रदीप, एंड यहाँ मेरे पिताजी का नाम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे रिकॉर्ड में ये नाम है। फर्दर ईपीएफओ फील्ड ऑफिस नो रोल इन अप्रूवल ऑफ बैंक केवाईसी ऑफ द मेंबर्स, हंस यू आर एडवाइज टू रेज द ग्रीवेंस टू कंसर्न बैंक विद रिगार्ड टू द रिजेक्शन इन ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ बैंक केवाईसी सीडेड बाई द मेंबर अलोंग विद रिलेवेंट स्क्रीन शॉट। तो यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से जवाब ये आया है कि भाई एज पर द हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड के अनुसार आपका जो नाम है और आपके पिताजी का नाम ये है, और ईपीएफओ का कोई भी रोल नहीं है, ईपीएफओ फील्ड ऑफिस का किसी भी तरीके का कोई भी रोल नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीएफओ फील्ड ऑफिस हैव
हैज नो रोल इन अप्रूवल और बैंक के वाई सी, यानी कि बैंक के वाई सी अप्रूव करने को लेकर जो बैंक की तरफ से ऑनलाइन वेरीफाई किया जाता है उसमें ईपीएफओ का कोई भी रोल नहीं है, ये ईपीएफओ कह रहा है ऑफ द मेंबर, ठीक है। हंस यू आर एडवाइज, ये कह रहे हैं कि आपको हम सलाह दे रहे हैं कि आप जो है अपने बैंक में बात कीजिए, कंसर्न बैंक में बात कीजिए और यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ बैंक के वाई सी शील्ड बाई मेंबर अलोंग विद रिवेलेंट स्क्रीनशॉट। तो ईपीएफओ का यही कहना है कि जो बैंक जो आप जब बैंक अकाउंट नंबर ऐड करते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर ऐड करने की जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट जो बैंक के पास जाते हैं उसमें ईपीएफओ का कोई भी रोल नहीं है। तो अगर आपका, हमने यहाँ पर बता दिया कि आपका पीएफ अकाउंट में नाम और आपके पिताजी का नाम ये है और यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका नाम यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ये और आपके अकाउंट में नाम सेम है तो आप जो है अपने बैंक में जो है ग्रीवेंस रजिस्टर कीजिए, बैंक में जाइए और जो है जो आपने जो रिजेक्शन जो रीजन दिया है वहाँ पर जो रेड कलर में जो एरर आ रहा है ये इस तरह का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उनसे आप बात कीजिए, बैंक की तरफ से ही ये जो है चीज़ वेरीफाई की जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर जो है ईपीएफओ ने बता दिया गया है कि हम एडवाइज करते हैं आपको अपने बैंक में विजिट कीजिए, बैंक में जो है ग्रीवेंस यानी कि कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए और बैंक की तरफ से ही जो आपकी केवाईसी इस तरह की जो रिक्वेस्ट जाती है वो बैंक ही जो है अप्रूव करेगा। ईपीएफओ फील्ड ऑफिस का कोई भी रोल नहीं है बैंक केवाईसी अप्रूव करने का, ऑनलाइन वेरिफिकेशन का, सीधी बैंक के पास रिक्वेस्ट जाती है। बट यहाँ पर ईपीएफओ ने ये सही बात की है यहाँ पर कि आपका हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपका नाम और आपके पिताजी का नाम ये है, तो भाई इनके रिकॉर्ड के अनुसार मेरा नाम और मेरे पिताजी का नाम बिल्कुल सही है और मेरे बैंक अकाउंट में भी जो है जो ये जो नाम और जो पिताजी का नाम बता रहे हैं वही मेरे बैंक अकाउंट में सेम नाम और पिताजी का नाम है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, ये जो इन्होंने ग्रीवेंस का जो रिप्लाई दिया है इसका आप प्रिंटआउट निकालिए और आपका जो भी बैंक है वहाँ पर विजिट कीजिए, इसका प्रिंटआउट लेकर जाइए और जो केवाईसी रिजेक्ट का जो रिमार्क रहता है इस पेज का जो है आप प्रिंटआउट लेकर जाइए बैंक में, आपका जहाँ पर भी अकाउंट है उस बैंक में जाइए और उनको दिखाइए कि मैंने केवाईसी ऐड किया था, मेरा अकाउंट नंबर मैंने ऐड किया था और आपकी तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया और फिर मैंने ईपीएफओ में बात करी तो ईपीएफओ ने कहा है कि हमारा कोई रोल नहीं है, आप बैंक में ही जो है जाइए स्क्रीनशॉट लेके। और यहाँ पर देख सकते हो ईपीएफओ ने कहा है कि मेरा और मेरे पिताजी का नाम उनके रिकॉर्ड में ये है और आपके बैंक अकाउंट में भी मेरा और मेरे पिताजी का नाम सेम है, मैच है, फिर भी आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये एक समाधान है और यही एक तरीका है, बाकी इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर बैंक की तरफ से कहते हैं कि भाई हम नहीं करते या फिर कुछ और है, जब फिर आप जो है बाद में एक काम कर सकते हो, अगर बैंक डिनाई करता है, मेरे हिसाब से तो डिनाई नहीं करेगा, अगर बैंक डिनाई भी करता है तो ईपीएफओ में दोबारा से ग्रीवेंस रजिस्टर कीजिए कि भाई बैंक जो है डिनाई कर रहा है, उसके बाद ईपीएफओ फिर यही कहता है कि भाई बैंक में जाइए, तो फिर आप जो है ईपीएफओ में एक आरटीआई लगाइए और आरटीआई के बिहाफ पे जो है फिर आपका काम हो जाएगा। इस तरह से चक्कर फिर ये नहीं कटाएंगे, आपको प्रॉपर समाधान दे देंगे, प्रॉपर तरीका बता देंगे कि आपका क्यों हो रहा है, क्या आपको करना है। तो ये तरीका अपनाइए, पहले ग्रीवेंस रजिस्टर कीजिए और ग्रीवेंस जब रजिस्टर करेंगे इस तरह से जो रिप्लाई आएगा ईपीएफओ का तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है और आपका जो बैंक केवाईसी का जो सेक्शन रहता है वहाँ पर जो रिमार्क में जो रहता है उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंटआउट निकाल लीजिए और अपने बैंक में जाइए और उनको बताइए। अपनी बैंक की पासबुक भी ले जाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि बैंक वाले भी वेरीफाई कर सकें कि हाँ भाई ईपीएफओ ने बोल दिया है कि उनके अकाउंट में आपका नाम ये, आपके पिताजी का नाम ये है और उनके बैंक में भी क्या है, अगर सेम होगा फिर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो बस ये एक जानकारी, पूरी डिटेल से संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी कुछ इस तरह का जो एरर आया था तो आपने क्या किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी एक दो बार आप जो है दोबारा से आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो, बैंक अकाउंट ऐड करने की रिक्वेस्ट, अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो वेल डन, अगर नहीं करते फिर रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर ये तरीका आप अपनाइए। तो मैं प्रदीप, फिर मिलता हूँ इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज से एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।